हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं सन फार्मा के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 24 जनवरी 2023 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले सन फार्मा में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन सन फार्मा में हमें 1.84% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला। क्लोजिंग यहाँ पे 1049.30 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहाँ पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा हमें वॉल्यूम देखने मिला। कैंडल एक यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम साइज की बनी है। ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में थोड़ी सी बड़ी और ऊपर के साइड में छोटी सी विक हमें देखने मिल रही है। RSI की बात करें तो 65-66 के आसपास हमारा RSI जो है आ चुका है, जो हमें यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव मोमेंट का इशारा देता है। लेकिन याद रखना, RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है नेगेटिव मूवमेंट का। लेकिन यहाँ पे ऊपर के साइड में जाते हुए स्टॉक हमें फिर नीचे के साइड में आते हुए देखने मिला। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, स्टॉक 1058 के आसपास 1058 के आसपास आते हुए देखने मिला। फिर वहां से हमें स्टॉक वापस से गिरते हुए देखने मिला। गिरते हुए स्टॉक में हमें सबसे पहले 1046 के आसपास देखने मिला और उसको भी क्रॉस करते हुए गया। तो स्टॉक में डाउन साइड जो है 1036 से आते हुए देखने मिल सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो इस चीज को जरूर ध्यान में रखते हुए चलना है। बाकी स्टॉक में ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को इंट्राडे में यहाँ पे ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपके फेवर में होगा वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं यहाँ पे स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है तो स्टॉक कभी भी आपको 1025 के आसपास वापस से आते हुए देखने मिले तो जरूर आप वहाँ पे बाइंग करें। वहाँ से आपको 5-10% का ईजिली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर आते हुए देखने मिल जाएगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करने तो करंट प्राइस में आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो कहूंगा स्टॉक को आराम से गिरने दे। 944 के आसपास जो स्टॉक अभी भी है तो वहां पे आप जरूर जो बाइंग कर सकते हैं। वहां से आपको जो है 5-10% का जो है यहाँ पे जितना भी हो सके जब भी यहाँ पे याद रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो 944 के आसपास कभी भी स्टॉक आए तो वहां पे आपको जो भी कैपिटल जो इन्वेस्ट करना है स्टॉक में उसका सिर्फ 20-25% जो आप यहाँ पे बाइंग करें। फिर वहां से कभी भी आपको 10-20% का डाउनफॉल है तो वहां पे आप एडिशनल जो बाइंग करें, याद रखें एडिशनल बाइंग आप करोगे तो वहां पे आपका एवरेज प्राइस जो कम हो जाएगा। याद रखें जितना एवरेज प्राइस जो कम रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए उतना ही जो आपको बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में और वहां पे आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी जो अच्छी देखने मिलेगी। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले। हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, यहाँ पे कुछ सपोर्ट जोन जरूर मार्क है लेकिन रेजिस्टेंस जोन मार्क नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर के साइड में जरूर हमें मार्किंग से नहीं, क्योंकि इस रेंज में हमने स्टॉक का एनालाइज नहीं किया था तो मार्किंग्स भी हमने यहाँ पे नहीं की थी। तो जो भी मैं यहाँ पे मार्किंग्स जो कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग्स जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो खास करके मेंटेन करने में। तो जरूर जो आप सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब हमारी मार्किंग्स भी जो कंप्लीट होने आई है, मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जो मार्किंग्स दे देता हूँ ताकि स्टॉक कभी भी अच्छा खासा ऊपर के साइड में मूवमेंट दे तो आपके पास हमारी दी गई मार्किंग हो जिसकी मदद से आप अपना एक प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो ले सके। तो यहाँ पे अब मार्किंग जो हमारी हो चुकी है, थोड़ा सा मैं जूम कर ले ताकि इंपॉर्टेंट डेटा जो यहाँ पे कल के लिए जो हमें बनते हुए देखने मिला है उसको यहाँ पे आप क्लियरली देख पाए।
क्लोजिंग की बात करें तो 1050.10 के आसपास क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता 1047.60 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता 1050.95 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हो जहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1044 का, उसके बाद क्या आता है 1039 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1055 का, उसके बाद क्या आता है 1057 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव क्लोजिंग का एक्सपेक्टेड है। स्टॉक 1044 से लेकर 1047 के रेंज में क्लोजिंग जो देखने मिले, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डाउन मूवमेंट जो हमें देखने मिल सकता है, थोड़ी सी न्यूट्रल या फिर स्लाइट गैप डाउन ओपनिंग भी हमें देखने मिल सकती है, लेकिन इस रेंज में क्लोजिंग एक्सपेक्टेशन है ओवरऑल नेगेटिव। बाकी आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।